ख्याल से 6 या 7 बज रहे थे, तो धुंध भी हो रही थी। मैं वहां रुक के मैंने जो है अपने ड्राइवर के साथ बैठ के हमने चाय बनवाई और चाय का आनंद लिया, कुछ खाया भी। इतने में क्या हुआ कि एक साधु महाराज आए और बोलने लगे, बेटा चाय पिला दो। तो मैंने दुकानदार को बोला, बाबा को चाय पिलाइए, बाबा जो खाना चाहे वो खिलाइए। उसने दुकानदार ने बाबा को हमारे यहाँ पे खिला दिया, हम पैसे दे के आगे निकल गए। आगे निकले, हमने फाटक पार किया, धुंध भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, जंगल का भी रास्ता था क्योंकि मैं भिवानी की साइड में जाना था। तो बीच में हमने क्या देखा कि ये हमें ना रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हम गाड़ी में तेज चलाई जा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ गई, यदि हमारी गाड़ी उससे टकराती तो शायद हमारा बचना मुश्किल था। मेरे ड्राइवर ने एक तो ब्रेक लगाई और हमारी गाड़ी वहां जाकर टच हो गई।